आई नो आप सबको मुंबई से न्यू वाइस का फोटो देखना है, पर उसके पहले उतनी ही इंटरेस्टिंग शाम के थोड़े नज़ारे देख लेती हैं। सो सनसेट वहाँ पे है, वो क्लाउड्स देखो कैसे जल रहे हैं। फ़ोन जस्टिस नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, बट खतरनाक जल रहे हैं वो क्लाउड्स, लिटरली जल रहे हैं ये टर्म। और यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट है सर, ये भी इतना ऑरेंज हुआ है ना यार। फ़ोन में बहुत गंदे कलर्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑरेंज है। मुंबई जो विटनेस कर रही थी उसे कहते हैं अल्पाइन ग्लो। अब हम सबको पता है कि सनराइज़ या सनसेट के वक्त सन हमें ब्राइट रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती। अब अल्पाइन ग्लो में होता क्या है कि जनरली अल्पाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सनराइज़ के पहले या सनसेट के फ़ौरन बाद। हमारे लिए अभी भी सन मे बी राइज़ नहीं हुआ हो या सेट नहीं हुआ हो, बट जो भी हवा में बहुत ऊंचाई पे क्लाउड्स है या जो भी एयर पार्टिकल्स है एरोसोल्स है, उनके ऊपर सन की लाइट अभी भी गिर रही होती है, क्योंकि वो उतनी हाइट पे होते हैं। तो यही लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है, और जनरली ये फिनोमेना आपको सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। मतलब अगर सन वेस्ट में सेट हो रहा है तो आपको ईस्ट में ब्राइट ऑरेंज कलर का एक बेल्ट दिख जाएगा, और इसे ही अल्पाइन ग्लो कहते हैं। सो गाइस 8 बज रहे हैं और मैंने घर से देखा झाँक के, तो जहाँ पे न्यू वाइज दिखना चाहिए वो एरिया में ऊपर, वहाँ पे मुझे एक दो तारे दिख रहे थे, तो इसलिए मैं भाग भाग के अभी ऊपर आया हूँ और हम लोग ट्राई करने वाले कैप्चर करने को। फिंगर्स क्रॉस्ड, सेटिंग मैंने कर दी है, 10 सेकेंड रखा है, F8 ISO 6400, और देखते हैं शॉट मिलता है या नहीं। ओ फोटो तो ये रहा, शायद फोकस नहीं हो रहा, और इसमें तो नहीं है, वापस थोड़ा रीअलाइन करना पड़ेगा शायद। सो ओ फोटो आ गई है, प्लीज प्लीज, यस शिट। एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई कॉमेट मैंने कैप्चर किया है, लाइक वंस इन 6000 ईयर्स अपॉर्चुनिटी है ये। आई गेस मुझे सिर्फ ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। डैम, आई होप मैं आपको क्लियर दिखा पा रहा हूँ। वाओ